पटना साहब के मेरे सभी आदरणीय मतदाता भाइयों और बहनों, आप सबों को हृदय से नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे पटना साहिब से लोकसभा के चुनाव में 2,80,000 से अधिक के बड़े मत से विजयी बनाया है। यह आपका आशीर्वाद हमारी ऊर्जा है और मैं पटना साहिब के विकास के लिए भारत सरकार की योजनाएं, प्रदेश सरकार, नगर निगम, इन सबों के बीच एक सार्थक सेतु के रूप में काम करूंगा और पटना के विकास की चिंता करूंगा। आज का दिन देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने एक इतिहास रचा है। 30 वर्षों के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जिसमें मुझे केंद्रीय मंत्री के रूप में काम करने का सौभाग्य मिला, इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत से दोबारा चुनी गई है। 350 से अधिक एनडीए को सीटें मिली है और 300 से अधिक बीजेपी को सीटें मिली है। तो ये क्रांति है तो लोकतंत्र में जनता ने किया है। आशा से भरा हुआ है देश, नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा मोदी जी की अगुवाई में, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। हम सभी मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे और मैं पटना साहब के आपके प्रतिनिधि के रूप में आपकी आवाज को इस विकास की प्रक्रिया में और बुलंद करूंगा। आप सबको मैं बहुत प्रणाम करता हूं। अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस ऐतिहासिक जीत पर उनका भी अभिनंदन करता हूं और मैं आप लोगों से मिलूंगा भी। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।